आना था वहाँ पे, तो लोग ऐसा देखे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे लगता है आप कह रहे हो 100-150, लेकिन जो मैं वहाँ पर सुबह से शाम तक वहाँ पर बैठा रहा तो वो मुझे लगता है वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा आदमी आए होंगे, और वो फेज्ड मैनर में आए थे। कोई ये नहीं, क्योंकि हमारे लोग जितने भी हैं बड़े डिसिप्लिनड हैं, बड़े अनुशासित वाले लोग हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से आए। लेकिन उस वक्त जो लोग आए आपने देखा कि उनको भी हमने कहा कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, और उसमें हमारे आपने जो हमारे कुछ कौंसलरों का जिक्र किया, तो वो भी मैंने उनको देखा था कि वो मेरे जहाँ चेयर है उसके साथ वाले सोफे पर वहाँ पर वो बैठे हुए थे। पर अब ये है कि उस इतनी भीड़ में हम उनको उतना मुखातिब नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर सब लोग थे, तो और सबको एक आपको पता है जब कोई कहीं कोई फंक्शन। आज DDC चेयरमैन धनतर सिंह सर जी के साथ मौजूद हूँ, साथ में हमारे यहाँ पे सौमीराज सर जी हैं, दोनों भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त ये DDC के चेयरमैन हैं ज़िला डोडा से। तो नाज़रीन, इनसे पूरा पहले जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि आज इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हम इनका इंटरव्यू करेंगे, साथ ही साथ DDC चेयरमैन बने और DDC चेयरमैन बनने के बाद ये किस तरीके से तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के साथ जुड़े हैं, तमाम सवालों के जवाब इनसे लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आजकल जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, भारतीय जनता पार्टी के ज़िला परिषद जो ज़िला प्रेसिडेंट हमारे हैं सौमीराज शर्मा जी, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि ज़िला की क्या हालात हैं और इनकी जो रूलिंग पार्टी इस वक्त है ये किस तरीके से COVID-19 के हवाले से लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तो पहले हम दोनों का इस्तकबाल करते हैं। धनतर सिंह जी, आपका इस्तकबाल है शुभम चैनल डोडा में। शुक्रिया, धन्यवाद। और आपका भी यहाँ पर इस्तकबाल है। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, तो नाज़रीन सीक्वेंस के हिसाब से इन्हें हम जो है सवालात पूछने की कोशिश करेंगे। पहले धनतर सिंह जी, आपसे पहला यही सवाल मेरा होगा, क्योंकि आप ज़िला डोडा में जो है जो DDC के चेयरमैन आए हैं और काफ़ी लोगों को अभी भी जान पहचान आपसे नहीं है, हम चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से थोड़ा लोगों के सामने बताएं, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आप कहाँ से रहने वाले हो, कैसे कैरियर शुरू किया वगैरह सारा। बेसिकली मैं भद्रवा के पंचायत सदर है मेरी, और गांव मलैनी है, दाखली नगर जिसे कहते हैं, वहां का रहने वाला हूं। और मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो मिडिल स्टैंडर्ड तक तो वहां ही हमारा हाई स्कूल मंथला से हुई है, उसके बाद मैंने अपनी 10वीं जो है वो हाई स्कूल चिंता से की है, और हायर सेकेंडरी अपने हायर सेकेंडरी भद्रवा से किया है, और उसके बाद मेरी कॉलेजिंग जो है वो डिग्री कॉलेज भद्रवा में मैंने कॉलेज की पढ़ाई की है। और बेसिकली मैं RSS का वर्कर हूँ, संघ से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से ही बाय बर्थ मेरा परिवार जो है वो संघ से जुड़ा हुआ था, तो हमारा बचपन ही संघ से है। जब हम छोटे 4th-5th स्टैंडर्ड के होते थे तो हमारे घर में प्रचारकों का आना जाना रहता था, और उन्हीं की सोबत उन्हीं की संगत में हम पले बड़े हैं। और वहाँ से ही लेके जब हमने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की तो संघ में काफ़ी एक्टिव थे, जवान थे, और संघ की शाखाएं वगैरह लगाते थे। तो उसके बाद जब हमारी हायर सेकेंडरी हुई और उसके बाद कॉलेज में थे, तो ये लगभग 87-88 का दौर था, तो उस वक़्त मिलिटेंसी कश्मीर में ही हुआ करती थी, यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन एक अंदेशा था कि ये मिलिटेंसी की वबा यहाँ पे भी आने वाली है। और 90s में जब यहाँ पे आतंक का बड़ा ज़ोर शुरू हो गया, और उससे पहले मैं संघ में और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था कॉलेज में, क्योंकि वही उस वक़्त ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जो इससे जुड़ी होती थी। तो जब 94 में हमारे वहाँ के मंडल प्रधान वहाँ पे हुआ करते थे, हमारे बड़े वरिष्ठ जिनकी सोबत में हम रहे, श्रीमान रुचिर कुमार जी कोल, वो उस वक़्त हमारी पार्टी के भाजपा के वहाँ के प्रधान थे। तो
जब आतंकियों ने उन पर हमला किया और वो शहीद हो गए, तो उस वक़्त हमारे आरएसएस के जो उस वक़्त के स्टेट के चीफ थे श्रीमान इंद्रेश कुमार जी, तो उन्होंने भाजपा वालों को ये एक सजेशन दी कि इस वक़्त अगर आपको कोई वहाँ पे जिम्मेवारी जो चला सकता है तो ये हमारा स्वयंसेवक है। और उस वक़्त 96-97 की बात है मुझे लगता है, उस वक़्त मैं एज फॉर्मली, उससे पहले मेरे पास भाजपा की छोटी मोटी जिम्मेवारियाँ होती थी, लेकिन उस वक़्त ये जो हमारा इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवा है उसका मुझे प्रधान बनाया गया। उस वक़्त हमारे कोतवाल दयाकृष्ण जी जो स्टेट के प्रधान होते थे, और 5 और 6 साल में लगातार यहाँ पर मंडल का प्रधान रहा, और उस वक़्त जो है पार्टी की गतिविधियाँ जो हैं उस समय में हम चलाए, और साथ में ही एंटी मिलिटेंसी जो भी यहाँ पे हो सकता था पार्टी का जो आदेश आता था उसमें काम करते थे। और उसके बाद सन 2000 में जब पहली बार सरपंचेस का चुनाव का बिगुल बजा, तो मैंने उस वक़्त, वो नॉन पार्टी बेस पर होता था, लेकिन मैंने वो उस वक़्त चुनाव लड़ा, और लगभग 10 साल में एज सरपंच पंचायत सदर का मैंने दायित्व निभाया। और उसके बाद 2006 में जब हमारे आज़ाद साहब एज चीफ मिनिस्टर यहाँ पर दिल्ली से आए हुए थे, तो उनका यहाँ पर इलेक्शन होना था, और वो बाई इलेक्शन हुआ जिसमें मैं सिंगल कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि सब पार्टियों ने उनके फेवर में विड्रा कर दिया था, कोई मैंडेट ही नहीं भरा था, और 1-to-1 कंटेस्ट हुआ था, और उस वक़्त मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, और एक अच्छा वोट जो है उस वक़्त भी हमने लिया था और पार्टी को ज़िंदा रखा था। तो ये मेरा पॉलिटिकल कैरियर है। तो उसके बाद हम लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी के विभिन्न ओहदों पर हमने काम किया, ज़िला प्रधान भी हम यहाँ पर रहे, और उसके बाद आपने देखा कि ये जो हाल ही में यहाँ पर पंचायत राज का थर्ड टायर का ये जो चुनाव हुआ, तो वो चुनाव हमने लड़ा, और उसमें जब हमारी अक्सरियत आई तो पार्टी ने यूनानिमसली ये फैसला किया। तो आज आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ज़िला का चेयरमैन का पद इस वक्त मेरे पास है। हाँ, तो आपने अभी बताया डीडीसी चेयरमैन बनने तक आपने किस तरीके से काम किया, तो क्या ये बहसियत पॉलिटिकल लीडर सरपंची के बाद डायरेक्टली आप डीडीसी के चेयरमैन बने, या इससे पहले आपने एमएलए का इलेक्शन या कोई और इलेक्शन भी लड़ा था? हाँ, मैंने आपको बताया कि मैंने एमएलए का बाई इलेक्शन जो है आज़ाद साहब के अगेंस्ट लड़ा था, 2006-07 का इलेक्शन जो था। अच्छा, एमएलए, वो एमएलए का इलेक्शन उन्होंने जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव हुआ था, और मैंने वहाँ से एमएलए का इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया था। अच्छा, तो आप सरपंची से शुरू किए, सरपंची से एमएलए, और आज जब थर्ड ईयर जो है आपकी रूलिंग पार्टी ने नामजद कराया पूरे जम्मू कश्मीर में, तो उसके आप चेयरमैन बने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और नाज़रीन, इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताया, चूँकि हमारे डोडा में धनंतर सिंह जी के बारे में, इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, इनके रहन सहन के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो हमने ये कोशिश की कि इनके बारे में पहले इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी आप लोगों को रोशनास कराया जाए। तो धनंतर सिंह जी, मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि जब आप डीडीसी के चेयरमैन मुंतखब नहीं हुए थे, अभी इलेक्शन हुए थे, चूँकि यहाँ पर पलड़ा भारी था आप ही के जो है शक्ति परिहार जी का, उन्हें यहाँ के लोग जानते भी थे, तो आपने कभी ये ख्याल किया था डीडीसी के दौरान में ही कि उनके मुकाबले में आपको ज़िला डोडा का डीडीसी चेयरमैन चुना जाएगा? देखिए, सियासत में कोई भी चीज़ जो है उसको परमानेंट माना नहीं जाता है, और पार्टी में सब लोग होते हैं, तो ये एक कलेक्टिवली एक कंपेन थी, कलेक्टिवली एक फैसला था, और उसमें कोई भी बन जाता, हमें इस चीज़ की कोई ना तब परवाह थी ना परवाह है। तो हम चाहते थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने, तो उसके लिए कोई भी बनता तो उसका कोई कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि बेसिकली
हमने तो सियासत में तब आए थे जब भारतीय जनता पार्टी का लोग कोई नाम नहीं लेते थे, और जब हमें पता था कि इस यहाँ पर कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो उस समय का मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। लिहाजा हम कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए जैसे लोग यहाँ से वहाँ आते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, तो हमने तो वो चीज़ कभी देखी नहीं है, ना हमारा संगठन इस चीज़ के लिए कभी बताता है कि भाई ऐसा भी होना चाहिए, तो हमने कभी उसका प्लस माइनस का कभी ख्याल किए बिना जो है ये चुनाव लड़ा, और जो भी हुआ आपके सामने है। हाँ, तो आप बताइए, अभी जो DDC चेयरमैन के पद पर आप हैं, और आपके यहाँ जिस तरह से आपके काउंसलर हैं, चाहे वो आपकी पार्टी से जुड़े हैं या आपकी पार्टी से बाहर हैं, उनके साथ आपका कैसा बर्ताव है, वो आपके साथ कैसा बर्ताव करें, और ख़ास तौर से जो आपकी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, उन्हें आप अपनी पार्टी के अलावा अपने चेयरपर्सन के हिसाब से कैसे जोड़कर रख रहे हैं? मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले अलग अलग पार्टियां होती हैं, इलेक्शन से पहले पहले अपनी अपनी जो है कंटेस्ट करना होता है, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सब का एक ही टारगेट है, हम सब का एक ही लक्ष्य है कि हम सब ने इस ज़िला के विकास के लिए काम करना है, और उसमें जो भी लोग चुन के आते हैं उनको हम बड़ा रेस्पेक्ट देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सब ऑनरेबल इलेक्टेड हैं। तो वो हम मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी भी पार्टी से अगर है, मेरा वैसे भी एक ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा बिहेवियर है कि मैं हर आदमी को इज्जत देता हूँ, मान देता हूँ, और वैसा ही मेरा इन सब के साथ है, चाहे वो मेरी पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई अलग सोच वाले लोग हैं, पर मुझे ये लगता है कि हम सब का एक लक्ष्य है और हम कोशिश करते हैं, और उसमें जितने भी लोग हैं मुझे लगता है कि उनका भी एक अच्छा रिस्पांस है, पॉजिटिव है, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल 370 के बाद पंचायतों को एम्पावर करने की बात है, तो मुझे लगता है कि ये नई नई बात है, अभी ब्यूरोक्रेसी में चीज़ें पचानी थोड़ी सी अभी अटपटा सा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर हम सब लोग इकट्ठे मिलकर चलेंगे और जो भी पॉजिटिव बातें हों उनको हम इकट्ठा चल के बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि सब आहिस्ता आहिस्ता इसमें कामयाब होंगे, और जो हमारा लक्ष्य है समाज सेवा, लोगों की सेवा, इलाके की डेवलपमेंट, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही पॉसिबल हो पाएंगी। हाँ, देखिए, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि जब इंतखाबात होते हैं उस दौरान थोड़ा एक दूसरे के अपोजिट हुआ जाता है, वो भी पॉलिटिकल बेस पे, और ज़ाती तौर पे उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता है। तो आपने अपने मेंबर्स के हवाले से बताया कि आप सब लोग जुड़ करके ज़िले के विकास के लिए काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात होनी चाहिए कि इस तरह से ही होना चाहिए ज़िला में। जब आपका ये जब आपको ऑफिस दिया गया, उस बारे में एक यहाँ पे एक नेगेटिविटी आई थी, वो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। जब आपका ऑफिस बना उस वक्त एक ये खबर हमने ही नशर की थी, हम वहाँ पहुँचे थे, लेकिन आपके ऑफिस के खुलने के हवाले से मीडिया को खबर नहीं दी गई थी, एक बात। फिर आपका ही एक काउंसलर है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी पार्टी से बेस्ड नहीं है, आसिम हाशमी साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जी ये कौन सा BJP का ऑफिस है, ये कौन सा DDC का ऑफिस है, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में कहा था, ये तो इन्होंने जी BJP का अड्डा बनाया हुआ है, और इन्होंने जी हमें वहाँ पे सीट बैठने के लिए हमें मयसर नहीं हुई, और साथ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कोविड का लॉकडाउन था। इसको आप किस हिसाब से देख रहे हैं, इन तमाम दोनों सवालों के आप जवाब दीजिए। पहले ऑफिस के हवाले से मीडिया को खबर क्यों नहीं दी गई, दूसरा आपका काउंसलर ऐसे क्यों कह रहा था कि वो BJP का अड्डा है, ना कि DDC काउंसलरों का ऑफिस? दरअसल आपको पता होना चाहिए कि ये एक नया सेटअप है यहाँ पर, सरकार को पहले ये चीज़ चूज़ करने में, ढूंढने में ही बड़ा वक्त लगा कि यहाँ पर ऐसा ऑफिस जहाँ पे चेयरमैन का एक बड़ा हाल हो, उसके बाद वाइस चेयरमैन का हो, उसके बाद जो उनका स्टाफ है उसके लिए हाल हो, उसके बाद काउंसलर्स जो हमारे ऑनरेबल हैं उनके लिए हाल हो, तो उसको बड़ी दिक्कत आई यहाँ पे, क्योंकि डोडा आपको पता है डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर सारी ऑक्यूपाइड हैं बिल्डिंग्स, और कोई बिल्डिंग मिल नहीं रही थी, पर कोशिश की गई और फाइनली वहाँ पर जो हमें जगह मिली, तो हमें लगा कि बाकी जगहों पे शायद ऑफिसेज खुल गए थे और यहाँ पर नहीं थे, तो हमने चाहा कि हम भी जल्द से जल्द, क्योंकि लोग जो है जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मिलने का अड्डा हो, तो हमने सोचा कि वो जल्द से जल्द उनकी जो है
इच्छा को पूरा किया जाए। हालांकि उतना वो सूटेबल प्लेस नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हट के है, अलग से है, पर हमने कहा कि लोगों के लिए सब कुछ है, हमने यहाँ भी आना है, वहाँ भी, जहाँ भी लोग हमें कहेंगे तो वहाँ ही बैठना है। तो फिलहाल इमीडिएटली अब सरकार ने आइडेंटिफाई किया था तो उसको हमने इनॉग्रेट करना था, शुरू करना था। और पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम बड़े एक अच्छे तरीके से उसको इनॉग्रेट करते, लेकिन फिर जब ये कोविड का आया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा कि इसको बड़ा लिमिटेड उससे करना है। पर क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर काफ़ी फॉलोइंग है, बहुत सारे यहाँ पर हमारे सीनियर लोग जो हैं काफ़ी देर से पार्टी के साथ चल रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं चाहिए, इवन के हमने किसी को इनवाइट भी नहीं किया था, लेकिन जब उनको पता लगा कि भाई कल दफ्तर खुलने जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उनको ये लगा कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, और वो लोग सब उस हिसाब से आशीर्वाद देने के लिए, उस नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पर आए थे। और हमने ये सोचा था कि वीडियो को भी इस वक्त बुलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त SOPs का नहीं सर, जैसे जैसे ये सही बात बताई आपने, ठीक है हम मानते हैं कि मीडिया को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर क्या खुफिया तरीके से 100-150 लोगों को एक कमरे में इकट्ठा करना, क्योंकि हमारे पास वो मौजूद है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो क्या इसीलिए मीडिया को नहीं बुलाना था वहाँ पे, तो लोग देख रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे लगता आप कह रहे हो 100-150, लेकिन जो मैं वहाँ पर सुबह से शाम तक वहाँ पर बैठा रहा तो वो मुझे लगता वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा आदमी आए होंगे, और वो फेज्ड मैनर में आए थे। कोई ये नहीं, क्योंकि हमारे लोग जितने भी हैं बड़े डिसिप्लिनड हैं, बड़े अनुशासित वाले लोग हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से आए। लेकिन उस वक्त जो लोग आए आपने देखा कि उनको भी हमने कहा कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, और उसमें हमारे आपने जो हमारे कुछ कौंसलरों का जिक्र किया तो वो भी मैंने उनको देखा था कि वो मेरे जहाँ चेयर है उसके साथ वाले सोफे पर वहाँ पर वो बैठे हुए थे। पर अब ये है कि उस इतनी भीड़ में हम उनको उतना मुखातब नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर सब लोग थे, तो और सबको एक, आपको पता है जब कोई कहीं कोई फंक्शन होता है तो इंडिविजुअली किसी को अटेंड नहीं किया जाता है, तो हालांकि वो वहाँ पर मुझे लगता है कि आधा घंटा 20 मिनट वो वहाँ पर बैठे थे और वो सारा वो देख रहे थे कि उसको फॉर्मली एक इनॉग्रेट करना था, और हमारे जो वर्कर हैं वो हमारे सीनियर लोग हैं वो बुकेज दे रहे थे और वहाँ से निकल रहे थे, तो आते जाते थोड़ी बहुत भीड़ थी लेकिन लोगों को ध्यान था इस चीज़ का, तो उसको देखते हुए वो सारा प्रोग्राम हुआ और शाम तक बहुत सारे लोग आए, और उसके बाद इनफैक्ट जो है आज तक वहाँ पर, वो अभी हमारे कोई ये नहीं है कि सब वर्कर वहाँ पर पहुँचे, अभी भी जब भी मैं जाता हूँ तो 100-150-200 लोग और खासकर दूसरे भी जो लोग हैं हमारे काम वाले लोग हैं वो भी आ रहे हैं। पर अब लोगों की एक्सपेक्टेशन है, हम ठीक है SOPs का ध्यान रखना, पर ये नहीं है कि हम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हम हर आदमी को मिलना चाहते हैं, किसी का दुख परेशानी कोई तकलीफ़ हो तो उसको हम चाहते हैं कि उसको एड्रेस किया जाए। तो हमने बड़ी कोशिश की है कि कोरोना होते हुए भी हम दफ्तर में आते हैं और लोगों को अटेंड करते हैं और जिनकी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपने जो बात कही है, आपने अभी ये कहा कि लोगों के साथ जुड़े हैं आप, ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी कोरोना वायरस का ये इस वक्त दौर चल रहा है, और यहाँ पे डोडा की ही बात करते हैं, चेयरमैन आप यहीं के हो, तो यहाँ पे इस वक्त जो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो जिनका ये है कि वो कमाते हैं तो शाम को वही खाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, या फिलहाल इस वक्त ज़िला में या पूरे मुल्क में हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों को खाने पीने का मुख्तलिफ तरीके जो अशाय ज़रूरी हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। बहसत चेयरमैन, आपने कितना फंड अभी तक जो है निकाला है और वो कितना बजट आपने लोगों तक पहुंचा है? क्योंकि एक बात तो ये है कि PM केयर फंड से जो 1,000 रुपया, तो 1,000 से कौन से माह तक लोगों का घर, जिनके घर पे 10-10 बंदे होंगे, 8-8 बंदे होंगे, आपने अपने लेवल पे, जैसे अभी एक खबर आई है CNS एक चैनल है उनसे एक खबर आई है, एक कंगन एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ की कोई तस्नीमा बानो है, उन्होंने 33 लाख रुपए रिलीज़ किए हैं जो है कोविड फंड में लोगों के लिए। आपने बहसत चेयरमैन क्या किया, वो तो एक काउंसलर हैं आप, चेयरमैन हैं, आपने क्या किया? मुझे लगता है कि भाई आपके पास किस किस्म की इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इस वक्त जो ये इमरजेंसी है, जो एक महामारी है, और इसमें जो इमरजेंसी वाले जो फंड हैं वो जितने भी होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं और उनको प्रधानमंत्री फंड से जो है काफ़ी पैसे यहाँ पर आए हुए हैं और उसको वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम खाली उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोग करवाएं, उनके लिए जगह जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर खोलें,
और उसके साथ साथ जो सरकार प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2 महीने का मुफ्त राशन जो है वो दिया जा रहा है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो ग्राउंड तक लोगों तक पहुंचे। और उसके लिए हमारे जो दूसरे भी ऑनरेबल काउंसलर हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, हमारे BDC वाले लगे हैं, हमारे PRIs लगे हैं, और साथ में हमारे सर ये नहीं सवाल ये है जो PM केयर फंड से जो आ रहा है वो तो एक नेशनल लेवल की बात है, वो तो आना ही है। मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों ने आपको चुना है उनके लिए आपने ज़ाती तौर पर क्या किया? ज़ाती तौर पर ऐसा है कि अभी हमारे पास कोई ऐसा कभी कोई फंड अभी सरकार की तरफ से ऐसा है सर, अपनी जो हमारे पास अपनी पर्सनल कोई हमारी कोई घर की कोई फंड नहीं है। हमारे पास सरकार की तरफ से एक प्लान इस वक्त आया हुआ है जिसमें 10 करोड़ रुपया है, और जिसमें सारे हमारे 14 काउंसलर्स हैं, हमारे BDC के लोग हैं, और वो डेवलपमेंटल प्लान है। डेवलपमेंटल प्लान के लिए कि इमीडिएटली जो लोग अपने इलाकों में गए हैं और उन्होंने देखा है कि कुछ अर्जेंट नीड्स हैं वहाँ पर, चाहे वो बिजली की है बेसिक फैसिलिटी, चाहे पानी की है, चाहे कहीं छोटी मोटी सड़क की कनेक्टिविटी है, तो उसके लिए वो जो है फ़ंड है, और उसमें ये बताया गया है कि इस पर ये फ़ंड खर्च होना है। तो उसके लिए हमें पहले तो सरकार की तरफ से कुछ एक यहाँ पर हमें ऑफिशियल जो रिक्वायर्ड हैं, जैसे हमारे ADDC की पोस्ट यहाँ पर अभी फ़िलहाल खाली चल रही है, ADC अभी हमारे पास यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पर अभी नहीं है, और भी बहुत सारे हमारे ऑफिशियल्स यहाँ पर उनकी दिक्कत है, तहसीलदार की है, BDOs की है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो हम सरकार को लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द वो हमें प्रोवाइड किए जाएँ, और उसके बाद कोई अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे पास जो ये आता है और उसमें कोई अगर ऐसा प्रोविज़न होगा, क्योंकि फाइनली तो सरकार का पैसा और उनको किस तरीके से उसके क्या नॉर्म्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, तो वैसी जब कोई बात आएगी तो मैं समझता हूं कि हम सबसे पहले चाहेंगे कि यहां के लोग बचें, उनकी जो है सिक्योरिटी अच्छी हो, उनको जो है सेहत तंदुरुस्त हो। उसके लिए अगर हमें लगेगा कि हम इसमें कॉम्पिटेंट हैं कि उधर से डेवलपमेंट से हम इसमें कुछ लोगों को दे सकते हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम ज़रूर उसको करेंगे और बड़े अच्छे से करेंगे, और हम चाहेंगे कि बाकी भी जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो फंड्स आ रहे हैं, चाहे वो राशन है, चाहे वो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, तो उनको इंश्योर किया जाए कि हर आदमी तक वो पहुँचे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि आज सीधा डायरेक्ट जो है बेनिफिट जो है वो बेनिफिशरी के इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। मैं कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हम सब लोगों ने उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर पहली बार एक निज़ाम जो है खड़ा किया है कि जो भी बेनिफिशरी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे उसके जनधन की योजना है, चाहे बीमा की स्कीम है, चाहे और जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट को उसको ठीक करने की बात है, तो जो भी चीज़ें हैं तो उस सब चीज़ों को हम सब लोगों ने मॉनिटर करना है। और मुझे उम्मीद है कि हम उनके साथ साथ प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है उनको लोगों तक पहुंचाएं, और यही हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप से यही आप से आखिर पर मेरा सवाल होगा, जो आपके काउंसलर्स हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, उन्हें आप हमारे चैनल के जरिए से क्या मैसेज देंगे कि वो लोगों के साथ क्या किस तरीके से इस कोविड सिचुएशन में साथ दें? मेरा उन सभी जितने भी हमारे साथी हैं उनसे यही मेरी आज के इस चैनल के माध्यम से यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, यही गुजारिश रहेगी कि ये जो मौका है इस वक्त महामारी का है, इसमें हमने कोशिश करनी है कि हम हर एक आदमी तक पहुँचें, चाहे हमारा कोई वोटर है या ना है, हमने क्योंकि जब इलेक्शन हो जाता है वो सब हमारी जनता है, सब हमारी रिया है, और उनके लिए भलाई के लिए हमने काम करना है। और उसमें अगर उनको लगता है कि कहीं पर अगर कोई चीज़ नहीं पहुंच रही है, चाहे राशन है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे वैक्सीन है, चाहे दवाइयां हैं या और कोई किट्स हैं, अगर वो नहीं पहुंच रहे हैं तो उनको हमारे साथ वो शेयर करना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल के उस चीज़ का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर बैठते रहते हैं और आगे बैठेंगे, और इमरजेंसी में अगर कोई भी किसी चीज़ को शेयर करने की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर जो है आपके पास पड़ा हुआ है, किसी भी वक्त दिन को रात को एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, और मुझसे जो सलाह हो पाएगी मैं उनको दूंगा। और अगर वो चाहेंगे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बात नहीं सुन रहा है, कोई ब्यूरोक्रेसी अगर उनकी बात को इग्नोर कर रही है, तो मैं इंश्योर कराऊंगा कि वो भी उनकी बात को सुने, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं, वो ऑनरेबल लोग हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, और इस वक्त मैं कहता हूँ उन्हीं के पास ये अधिकार है, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए और लोगों की जो है खिदमत जो है बिना किसी विघ्न के, बिना किसी डिले के होनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ श्री धनहत्तर सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ आज एक तफसीली गुफ्तगू की, अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी, अपने पॉलिटिकल करियर के हवाले से भी, और साथ ही साथ आज जो जिस पद पर ये हैं इस हवाले से भी, और इस पद पर बैठ कर के ये क्या कुछ कर रहे हैं इस पर फ़िलहाल कुछ क्वेश्चनिंग क्रॉस भी हुए हैं। बहरहाल ये हमारा एक अंदाज़ होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को क्रॉस क्वेश्चंस के ज़रिए से उनके हालात पूछें। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। तो इसी तरीके से नाज़रीन, मुख्तलिफ तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जो भी लोग इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के चुनिंदा नुमाइंदे हैं, वो लोगों के साथ जुड़े रहें, लोग उनके साथ जुड़े रहें, और इस महामारी में सब एक दूसरे का साथ दे करके जो है किसी भी तरीके से इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल इसी तरीके से देखते रहे शोम चैनल डोडा, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को टीम के साथ दीजिए इजाज़त, इसी तरीके से देखते रहे और